आजमगढ़ में सरेआम पंचायत सदस्य की गोली मारकर हत्या, घटना के बाद समर्थकों का हंगामा, आरोपियों की 3 गाड़ियां फूंकी। बलिया में जमीन विवाद में प्रधान के घर में पत्रकार की गोली मारकर हत्या, डीआईजी बोले हत्या की वजह पत्रकारिता से कोई लेना देना नहीं, 6 आरोपी गिरफ्तार। पत्रकार की हत्या पर सीएम योगी ने लिया संज्ञान, आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश, पत्रकार के परिजनों को 10 लाख की आर्थिक मदद। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच के वकील आज हड़ताल पर, कई मांगों को लेकर कार्य बहिष्कार। बीएचयू के सुपर स्पेशलिटी कॉम्प्लेक्स में मिला कोरोना मरीज का शव, रविवार शाम से लापता था मरीज, परिजनों का हंगामा, अंग निकालने का आरोप लगा। कानपुर में पुलिस लाइन में बैरक की छत गिरी, एक पुलिसकर्मी की मौत, 3 घायल। महाराष्ट्र के रायगढ़ में 5 मंजिला इमारत गिरने से अब तक 2 की मौत, मलबे में 60 लोगों को निकाला गया, 18 लोग अभी भी लापता। आज पिथौरागढ़, बागेश्वर और चमोली जिले में हो सकती भारी बारिश, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। सुशांत केस में एसआईटी ने जांच रिपोर्ट सीबीआई अधिकारियों को सौंपी, सूत्रों के मुताबिक सुशांत के व्यवहार पर जानकारी जुटाने को कहा। सूत्रों के मुताबिक सीबीआई के वरिष्ठ अधिकारियों का कहना था कि इस केस में ना तो हत्या का कोई मोटिव है, ना ही आत्महत्या का कोई मोटिव नजर आ रहा। सीबीआई की एक टीम मुंबई वाटरस्टोन रिसोर्ट भी जांच के लिए गई, वाटरस्टोन रिसोर्ट में 2 महीने तक रुके थे सुशांत और रिया। सुशांत की पूर्व मैनेजर दिशा सालियान की मौत के मामले में नया खुलासा, दिशा का फोन उनकी मौत के 9 दिन बाद तक चालू रहा था, इंटरनेट के जरिए कॉल की। सीबीआई के पूर्व फॉरेंसिक एक्सपर्ट एसके सिंगला ने कहा वो नहीं मानते कि फांसी पर लटकने से हुई सुशांत की मौत। पुलवामा हमले में एनआईए आज दाखिल कर सकती है चार्जशीट, 14 फरवरी 2019 को हुए आत्मघाती हमले में शहीद हुए थे सीआरपीएफ के 40 जवान। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखने वाले नेताओं की गुलाम नबी आजाद के घर हुई बैठक, चिट्ठी पर पार्टी नेताओं के रोक को लेकर हुई चर्चा। सोनिया गांधी कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष बनी रहेंगी, कांग्रेस की अगली बैठक तक सोनिया गांधी पार्टी की अध्यक्ष बनी रहेंगी। सीडब्ल्यूसी की बैठक में राहुल गांधी के आरोपों पर कपिल सिब्बल हुए नाराज, ट्वीट कर लिखा कभी भी बीजेपी के पक्ष में बयान नहीं दिया, फिर डिलीट किया ट्वीट। गुलाम नबी आजाद ने भी चुनौती दी कि बीजेपी के साथ सांठगांठ के आरोप साबित कर दें तो वो पार्टी से इस्तीफा दे देंगे। चीन से जारी सीमा विवाद पर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने कहा लद्दाख में चीन की सेना अतिक्रमण से निपटने के लिए सैन्य विकल्पों पर भी विचार कर रही। नीट और जेई परीक्षाओं को टालने के लिए देश के कई हिस्सों में छात्रों ने प्रदर्शन किया, कोरोना को देखते हुए परीक्षाएं टालने की मांग। ममता बनर्जी और आदित्य ठाकरे ने प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिखकर सितंबर में होने वाले नीट और जेई परीक्षा को टालने की अपील की। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में चलती बस में आग लग गई, घटना रानीगंज इलाके में नेशनल हाईवे 2 पर हुई, घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। गुजरात के मोरबी में एनडीआरएफ की रेस्क्यू टीम ने 30 लोगों को डूबने से बचाया, सभी लोग बाढ़ के पानी में फंस गए। गुवाहाटी में ब्रह्मपुत्र नदी पर भारत का सबसे लंबी दूरी तय करने वाला रोपवे सर्विस शुरू, गुवाहाटी से नॉर्थ गुवाहाटी आने में अब सिर्फ 8 मिनट लगेंगे। आगरा में बारिश के बाद यमुना का जलस्तर बढ़ने से ताज व्यू पॉइंट पर लोगों की भीड़ बढ़ गई, फोटो लेने पहुंच रहे लोग, कोरोना की वजह से ताजमहल बंद। माता वैष्णो देवी की यात्रा के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और हेलीकॉप्टर बुकिंग 26 अगस्त से शुरू होगी, 5 सितंबर तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा सकेंगे। दुनिया के सबसे तेज धावकों में से एक जमैका के हुसैन बोल्ट ने खुद को क्वारंटीन कर लिया है, बोल्ट ने कोविड-19 का टेस्ट भी कराया, ट्विटर पर दी जानकारी। रिपब्लिकन पार्टी ने आधिकारिक तौर पर डोनाल्ड ट्रंप को राष्ट्रपति पद के लिए दूसरी बार नामित किया, ट्रंप ने कहा कोरोना से पहले अमेरिका की अर्थव्यवस्था सबसे तेज। टर्की के डेरेली शहर में बादल फटने से भारी तबाही, हादसे में 7 लोगों की मौत, 157 लोगों को बचाया गया। श्रीलंका में हाथी के बच्चे को वन कर्मचारियों ने बचाया, हाथी का बच्चा गड्ढे में गिर गया था, कई घंटों की मशक्कत के बाद बच्चे को बाहर निकाला गया।